वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए सबसे ज़रूरी है इंतज़ार, और अगर आप सही टाइम पे सही जगह हो तो आपको परफेक्ट शॉट मिल जाएंगे। तो अभी मैं हिमाचल में हूँ। हिमाचल में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ के काफ़ी अच्छे शॉट और वीडियोस मिल सकती हैं। तो अभी मैं एक सांभर हिरण और कुछ बर्ड्स की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सांभर हिरण की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए मैंने जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया है वो है नाइकॉन D500 और उसके साथ नाइकॉन का 70-300 mm लेंस, जो कि बहुत अच्छी जूमिंग करता है और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करता है। सबसे पहले कुछ अच्छे शॉट लेने से पहले आप अपने कैमरे की सेटिंग चेक कर लें। मैंने भी सबसे पहले ऐसा ही किया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ता है। कैमरे की सेटिंग, अपर्चर, ISO वगैरह चेक कर लें। आप लाइट के किस साइड पे बैठे हो उस चीज़ को चेक कर लें। कुछ फ़ोटो सैंपल क्लिक करके देख लें, क्योंकि बाद में हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। हो सकता है हमारी सेटिंग अच्छी ना हो और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए और वो फ़ोटो अच्छे ना मिले। तो ये सब चीज़ें हमें पहले ही देख लेनी चाहिए। तो मैंने सेटिंग कैमरे की पूरी अच्छे से कर ली है। सबसे पहले मैंने यह एक खूबसूरत सा नज़ारा फिल्माया। यह एक मोर है जो कि बारिश के बाद अपने पंखों को सुखाता हुआ जंगली मोर होते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा पास जाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो पहले ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुझे शॉट मिले। और इसके अलावा जंगल की जो आवाज़ है वो इस क्लिप में आप बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हो। काफ़ी देर तक एक ही जगह पर इंतज़ार करने के बाद मुझे इंतज़ार का फल मिला। कुछ सांभर हिरण बिल्कुल मेरे सामने थे, पहाड़ी के दूसरी तरफ। यहाँ पे वह घनी झाड़ियों में था और हल्की सी हलचल से ही मुझे उसका पता चला। उसने मुझे देख लिया है, लेकिन वो मेरी मूवमेंट पे कुछ खास प्रक्रिया नहीं कर रहा है, मुझसे काफ़ी दूर है।
वहाँ पे 3 सांबर हिरण थे, 2 वयस्क और एक उनका छोटा बच्चा, और उन्होंने मुझे देख भी लिया था और इस दौरान मुझे काफ़ी अच्छे शॉट मिले। सो गाइज़ फाइनली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो नेचुरल लाइट थी काफ़ी अच्छी थी, सब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर थी तो फुटेज काफ़ी अच्छे मिले, और 70mm लेंस के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ नाइस डे।